और इस धरा पे आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग घर में सत्संग रही मेरी माता बहन मेरे भाइयों और देश का उज्ज्वल भविष्य प्यारे बच्चों मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। अभिनंदन करती इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुजन समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिला स्तर के पदाधिकारी हल्का स्तर के पदाधिकारी गांव स्तर के पदाधिकारी मैं दोनों भी पार्टी के पदाधिकारियों का भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ क्योंकि ये वो माध्यम है जो मुझे आप सबसे मिलने का सौभाग्य देते हैं। मैं सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ अभिनंदन करती हूँ। मेरे साथ आई मातृशक्ति मेरे साथ आई मेरी बहने मैं सबका आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि ये वो महिलाएं हैं जो अपना रोजमर्रा का काम छोड़ के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूती बनाने के लिए मेरे साथ चल रही है। मुंसरपुर बोलने वाले वक्ताओं ने आपको बहुत सारी चीजें खुल के बताई और मैं तो कहूंगी दारिया गांव का अगर कोई राजनीति बताए तो वो सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। आप सब लोग राजनीति के ज्ञाता है आपने बहुत सारी सरकारें बनाई हैं और बहुत सारी सरकारें गिराई भी आपने ही है क्योंकि जो वोट की ताकत है उस ताकत से आप सब लोग किसी भी जो आपके सामने खड़ा हो उसको फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक वो ताकत आपके पास है। मैं तो केवल आपसे प्रार्थना कर सकती हूँ अनुरोध कर सकती हूँ मैं आपको वजह बता सकती हूँ कि आप चश्मे के निशान को क्यों वोट करें आपके सामने अपनी बात रख सकती हूँ। मेरे सामने दो प्रत्याशी और हैं जिनको आपने इस्तेमाल भी किया देखा भी है आपने वोट भी उनको डाले हैं उनको एक मौका भी आपने दिया है लेकिन आज हालात कुछ इस तरीके के हैं कि एक जो मौजूदा विधायक जिनके पास मैंने सुना है कि जो कोई भी जाए एक ही बात सुनने को मिलती है कि मेरी तो बचलती नहीं और कहते हैं कि भाई किसी भी मेरा तो फोन नहीं सुनता किसी मेरी मानता नहीं। मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकती हूँ आप मुझे मौका देना डीसी को आपका फोन भी खड़ा होके सुनेगा आपको कोई भी अधिकारी परेशान नहीं करेगा। वही जैसा कि मेरी बहन अभी आपके सामने जो किसान आंदोलन को भुगत के निकले हैं सभी से एक अनुरोध और प्रार्थना कर रही थी वो कह रही थी कि नब्बे विधायक मैं आपको बताना चाहती हूँ 2200 से ज्यादा एमएलए एमपी है पूरे हिंदुस्तान में 2200 से ज्यादा एमएलए एमपी होते हुए इस्तीफा एक हुआ पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा में भी पूरे हिंदुस्तान में एक इस्तीफा हुआ। आज अगर हम स्कूल के बच्चे को कह दें कि तू तेरी क्लास में आगे की जगह छोड़ के और पीछे वाली सीट पे बैठ जा तो भी वो मना कर देगा कह देगा ना मेरी खुली सीट है। लेकिन अभय सिंह जी चौटाला ने अपनी पूरी पार्टी दाव पे लगा दी थी वो एक इस्तीफा नहीं था एक एमएलए ने पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दाव पे लग दी नतीजा कुछ भी हो सकता था। जो आज आपके बीच में कांग्रेस के नेता आते हैं कि हम किसान और कमेरे वर्ग के साथ हैं एक बार उनसे सवाल पूछना कि जब अभय सिंह चौटाला का इलेक्शन था बाय इलेक्शन था जवान नाम की बात मैं आपको बताने जा रही हूँ उस इलेक्शन में एक मिनट रुक जा एक मिनट उस इलेक्शन में स्वयं उपेंद्र सिंह हुड्डा जवान गांव में आए और जवान गांव में मंच के माध्यम से क्या कहते हैं कि आया तो कांग्रेस खातर हूं पर कांडा मेरा दोस्त है ये बात आपने भी सुनी होगी। जो आज आपके बीच में थे कि हम किसान और कमेरे के हितैषी हैं वो उस टाइम अभय सिंह जी चौटाला के खिलाफ वोट करने के लिए आए हुए थे वो किसान को हराने के लिए आए हुए थे
लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो काले कानून, तीन काले कानून जिनकी लड़ाई हमने लड़ी है, ये काले कानून लिखने वाली कांग्रेस है। मनमोहन सिंह के राज में ये कानून लाए गए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कमेटी के चेयरपर्सन है, आज भी है, दस्तक मौजूद है, और दीपेंद्र हुड्डा उस समय सांसद थे और खड़े होके कहने लगे कि ये कानून अगर हरियाणा में लागू हो जाए तो इतने बढ़िया है, किसान के खेत का आलू दोनों भुगतान हो जाए। सुषमा स्वराज भी उस समय थी, लोकसभा की कार्रवाई में खड़े होकर सुषमा स्वराज ने टोका कि बेटा अलबत्त तो किया भी दो फुट की नहीं हो सकती, लेकिन आलू तो कभी हो ही नहीं सकता कि दो फुट के हो जाए। तो जो लोग कहते हैं किसान और कमेरे के हितैषी हैं, कुछ दिन पहले सोनीपत के गांव में राहुल गांधी आए, बोले मैं जीरी लगा के देखूं, मैं जीरी लगाऊंगा, फोटो कराऊंगा, किसान बन जाऊंगा। अब अगर जीरी हाथ में नहीं किसान ने तो पूछने लगे ये कौन सी साइड से लगेगी भाई, इधर से लगानी है कि इधर से लगानी है। जो नेता ये नहीं बता सकते कि जीरी लगती कैसे है, वो और कहते हैं किसान के हितैषी है। जैसा कि सर छोटू राम जी ने एक बात कही, बोले किसान बोलना सीख कर अपने पैर की पहचान करना। आज ये फिर पराक्रम मचा रखा है कि भाई बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को लेना है। आपको एक बात बता देती हूँ, जब तक भूपेंद्र हुड्डा इस पार्टी में है, आप भूल जाओ, किसी भी नेता को आगे नहीं आने देगा। और हमारी साइड को हमेशा पीठ करके सोचता है, मुंह सिर्फ भक्त की साइड रखता है, हमारी साइड कभी वो नहीं करेगा, हमारी साइड तो इनकी पीठ है, पीठ ही रहेगी। अगर हमें अपना खुद का भला और अपने बच्चों के लिए कुछ करना है तो मैं आपको आज एक बात कहती हूँ, कांग्रेस वाले कहते हैं कांग्रेस का राज लेंगे, भूपेंद्र हुड्डा कहता तिलई का राज लेगा, और वीरेंद्र सिंह कहता मैं उचाना का राज लेगा। मैं आपको एक ही बात दूंगी, इनका कोई पता नहीं कौन इनका नेता है, कौन किसके साथ ये इनको खुद ही नहीं पता। मेरे सामने जो देख लिया भी उसके कुछ भी बनता तो फिर आगे इंडियन नेशनल लोकदल के था, अगर इंडियन नेशनल लोकदल का गठन हुआ तो सबसे पहले सारे चार साल में पार्टी छोड़ दी और फिर चला गया बीजेपी के साथ, और जब बीजेपी का लगा कि अब इनका कुछ नहीं बनता फिर चल गया फिर कांग्रेस के साथ। कांग्रेस में भी पहले अपना नेता लोकसभा में माना कुमारी शैलजा को, और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 40 करोड़ रूपए देकर टिकट ले गया है। ये तो 40 करोड़ में टिकटें इनकी बिकी है तो ये लेके आए हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, ये आपसे निकालेगा और आपके बीच में आके आपको बदलाने का काम करेगा, और फिर आपसे एक गाना जरूर मार देगा कि भाई मेरी तो चलने को नहीं। पर मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाती हूँ, विधानसभा में 90 विधायक बैठते थे लेकिन 89 चुप और एक अभय सिंह चौटाला बोलने का काम करते थे और 89 के 89 को आगे लगा के रखते थे। आपसे प्रार्थना है कि अभय सिंह जी चौटाला को मजबूत बनाना, ताकि चलना तो दूर आप ये सोच लेना सरकार आपकी होगी और मुख्यमंत्री आपका होगा और आपके किसी भी विकास के कार्यों को रोक नहीं सकेगा, क्योंकि चौटाला साहब ने जो रीत चलाई, गांव गांव जाते हो, चौपाल में जाते जो काम करते थे वैसा ही काम करके देने का आपको काम करूंगी, आपको पीठ नहीं दिखाऊंगी। तो नशे का व्यापार इन्होंने चला रखा है, मुझे 3 महीने का टाइम दे देना, 3 महीने के अंदर अंदर फतेहबाद के मामले में तो नशा इंटर करेगा ही, अंदर आपसे वायदा है 3 महीने के अंदर नशे के कारोबार को यहाँ से खत्म करेंगे और इनको उखाड़ के यहाँ से बाहर फेंकने का काम करेंगे। वही जो ये कहते हैं कि आज प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे भ्रष्टाचार, कई शहरों में भ्रष्टाचार, गांव में पानी की व्यवस्था नहीं, बिजली की व्यवस्था ना हो, तो उसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ 4 चीजें, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पानी, चारों चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देने का काम करेंगे, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है। आप जो टैक्स
पे करते हो, आप जो टैक्स भरते हो उसके अंतर्गत ये चीजें सरकार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकती है। ये लोग आप लोगों से आपके वोट बटोरने तो आ जाते हैं लेकिन काम के लिए आपको फीस दिखाते हैं। एक चीज और थाने में लेके जाओ, कोई ठेकेदार बनाने की जरूरत को नहीं, कोई की नहीं, कोई ठेकेदारी को नहीं, थाने की नहीं मिल लो है तो ये अनाजी क्यों भी पलारण छाने लेके जाओ तो ही मिली जाएगा। आज मेरी बात से काम मान रही हूँ, हर आदमी के वोट की कीमत एक सी है, जेकिन 100 किलो है तो भी एक ही वोट है, जेकिन 1 किलो है तो भी एक वोट है। हर आदमी के वोट की कीमत एक सी है, अगर वोट की कीमत एक सी है तो काम को और काम को अधिकार दिखाने में वायदो करूँ सारे सब में करने कोई जरूरत को नहीं कि मैं कोई ठेकेदार में बीच में लेके जावा। सिर्फ सीधा आइयो, सीधा मिलियो। अगर एमएलए इलाके की जनता मैंने बना सी तो मैं थाने एक एमएलए के रूप में नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में सारा काम करके दूंगी, ना कि कोई थाने जगह जगह धक्का खाने की जरूरत पड़ेगी। काम में आगे काम करूंगी, हर महीने काम में आगे काम करूंगी। और सरो मेरा वायदो है, बस सरो एक ही प्रार्थना है, एक मेरे सामने कमीशन खोले, दूसरा मेरे सामने सेक्टरी ज्वेलरी नशेलो व्यापारी है, आप इन लोगों ने नाम रायो है चाहे मेरे सागे जबकि करोबा कर लेंगे, लेकिन आप दोनों के लोगों ने नाम रही दी हो फतेह बाद हरियाणा में अगर वहां पर वन पर विकास में ना हो तो फिर मैंने आगे क्योंकि कल परसुआई को मैंने के पहले आज मेरा काम को लिया मैंने मौका कौन दू इन चीज को फिर सिर्फ मेरा साथ दे रही हो, सिर्फ सिर पर हाथ रख दी हो बड़ा बुजुर्ग और मेरी माता बहन मेरे सागा खड़ी हो गई हो अपना आम हर पीढ़ी ने बचाना है इन नशे मारा बच्चा ने बचाना सबो बड़ी एक हमारी जरूरत है एक मारो मिशन है एक हाथ के सारा मेरा साथ दियो सीता इतनी गर्मी में जो मेरे इंतजार करो करो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लेट होगी क्योंकि पीछे कई जगह छह और बरकरार रखी तो एक हाथ लेट होगी तो लेट आने के लिए माफी सारा बहुत बहुत धन्यवाद।